हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक और टूर पे ले जा रहे हैं। और अभी हम हैं यहाँ पर भीमताल में, जो कि नकुचे ताल है, और अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं। अभी टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मोबाइल पे, और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। 31 का यहाँ पर मौसम है। ज़्यादातर लोग ऐसे मौसम में पहाड़ की तरफ ही जाते हैं घूमने को, तो हमने भी एक प्रोग्राम बनाया है आज घूमने का अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक साथी यहाँ पर, दीपक गुरजासी जी। और अब हम यहाँ से चलेंगे, हमारी गाड़ी आती ही होगी। और एक स्पीकर भी हम ये ले चल रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ ये, जो हमारे टूर पे हमें मजे के लिए हमारे काम आएगा। यहाँ पर आपको मौज मस्ती दिखाएंगे। और काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, हमने देखिए पूरे मफलर वगैरह सब पहने हुए हैं। मास्क भी अब हम डालेंगे, और टोपी तो मैंने पहनी ली है। दीपक भाई भी अपनी टोपी वोपी डालेंगे। हल्की सी धूप निकलनी चालू हो गई है, तो थोड़ा टेम्परेचर। और हम यहाँ पर, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, देख सकते हैं हमारे साथ के यहाँ पर गोपेश भाई, जो कि कार चला रहे हैं, अपनी गाड़ी भी लेके आ चुके हैं। और हमारे दो और मित्र यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यह है पंकज जोशी जी, और यहाँ पर दीपक गुजासी जी, और एक दोस्त और है हमारे जो हमारे साथ अभी भीमताल से जुड़ेंगे। तो अब हम यहाँ से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। और अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर के पास, आपको दर्शन कराते हुए हम ले जाएंगे यहां पर अपने टूर पे। और ये सामने आप देख सकते हैं हमारे काफी टूरिस्ट लोग यहां पर आए हुए हैं। ये पिज्जा ग्रिल है यहां पर, उसके पीछे आप देख सकते हैं ये कैची धाम मंदिर है। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं हमारे साथ। और यहाँ पर चेकिंग भी काफी चल रही है, देख सकते हैं पुलिस वाले हैं। ये यहाँ पर गेट है यहाँ पर कैची धाम के लिए। और इससे आगे जाके अभी खैरना आ जाएगा, फिर हो सकता है नाश्ता पानी होगा, या फिर अल्मोड़ा पहुँच के ही होगा। आपको गोलजू महाराज के भी दर्शन कराएंगे वहाँ पर चलते चलते। ये देख सकते हैं आप फ्रॉग पॉइंट है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कैमरे में, तो ये फ्रॉग पॉइंट है जो काफी फेमस है। ये नीचे पत्थर आप देख सकते हैं फ्रॉग की तरह, इसे भी आपको हम दिखाते हुए चल रहे हैं। ये देख सकते हैं नीचे काफी फेमस जगह है यहाँ पर फ्रॉग पॉइंट, जहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। और इसी के आगे हम अब खैरना मार्केट में पहुंच चुके हैं। सभी लोग मास्क लगाएंगे, और हाँ, मास्क लगाने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है, तो सभी लोग कृपया मास्क लगाएं। ये चल रहा है यहाँ पर। ये देख सकते हो आपके अल्मोड़ा अब यहाँ से सिर्फ 33 किलोमीटर रह गया है, तो अभी अल्मोड़ा हाईवे शुरू हो रहा है। यहाँ पर फोटोग्राफी भी करेंगे और थोड़ा मजे लेंगे। अभी आगे आपको दिखाएंगे पूरा रूट, क्या जबरदस्त सीन है यहाँ पे। ये आप सामने देख सकते हैं पहाड़ी पीसी नूर, जो यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका यहाँ पर ये है, यहाँ पर बोलते हैं फैक्ट्री, जिसको बोल सकते हैं आप। तो पहाड़ी पीसी नूर अगर आपको भी चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको हमने दिखाया कि ये कहाँ पर बनता है, काकड़ी घाट यहाँ पर नाम है।
अल्मोड़ा से यहाँ पर जाते हुए ये हमें मिला है रास्ते में तो आप जरूर से इसको देख सकते हैं वीडियो YouTube में कहीं ना कहीं मिली जाएगी। तो ये कुछ फेमस था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पहाड़ी पिशिन्नूर। तो आगे का हम सफर आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए। ये चितई गोल्ड मंदिर है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं काफी सारी भीड़ है यहाँ पर, और हम इसी रोड से आगे बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे और अपने मंजिल की तरफ, जो कि मुंशहरी है। जय हो गोलजू। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पूरा नेचर का मजा लेते हुए यहाँ पर खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं राजमा चावल चल रहा है, हमारे भाई लोग यहाँ पर पीछे एंजॉय करते हुए, और ये दीपक भाई थोड़ा स्टैंड दिखा रहे हैं, खड़े होके बैठ हुए हैं, आराम से खाना खाओ दीपक भाई। और देख सकते हैं आप पीछे भी नेचर क्या मस्त आ रहा है, बहुत जबरदस्त जगह है। पहाड़ों में खाने का भी आनंद एक अलग ही आता है, क्योंकि अल्मोड़ा में यहाँ तो खास करके दोस्त लोग तो आप देख सकते हैं बड़े मजे ले रहे हैं, उसको लेके आए हैं। और ये देख सकते हैं आप नेचर में किस प्रकार से यहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखा है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है इनने, आप देख सकते हैं वीडियो में आ रहे हैं वो लोग, और काफी अच्छा यहाँ पर खाना बनाया है, और जगह भी बहुत इतनी बढ़िया चुनी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। जब भी आप यहाँ पर आए इस रोड में, तो यहाँ पर फूड जंक्शन करके है, तो यहाँ पर जरूर आए, पहाड़ी फूड जंक्शन। यहाँ पर वैन दिखेगी आपको, येलो और ग्रीन जो छत है इसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर भी बहुत बढ़िया दिखेगा आपको देखने को, यहाँ पर पत्थर है काफी अच्छे अच्छे, फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है, और काफी अच्छा खाना बना रखा है। और ये सामने देख सकते हो आप हमारे ये बर्फीले पहाड़ दिखाई देने लगे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो बर्फ का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं चलते चलते, और थोड़ा मजा भी आ रहा है टूर में, काफी ठंडे है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप साथ में। आप हमारे साथ देख रहे हैं, एक हमारे रैपर भाई साहब हमारे साथ है, गौरव भाई बहुत बढ़िया रैपर है, और उनके रैप के साथ हम देख सकते हैं हमारा ये होटल का रूम हमने ले लिया है, जो कि यहाँ पर 6 बेड का है बोलते हैं। तो पंकज जोशी जी बताइए थोड़ा इस टूर के बारे में, थोड़ा ठंडा हो रहा है और पहले ये बताइए ये टूर में आपको कैसा लग रहा है? कैसा, बहुत अच्छा लग रहा है, हम रात के 2 बज चुके हैं, हम अभी पहुंच चुके हैं होटल। ओके, थोड़ा दरवाजा बंद करने का कष्ट करिए। तो एक्चुअली में हम ये लास्ट टाइम पे पहुंचे हैं 2 बजे मुंशहरी, और ये हमारा 6 बेडरूम अभी है, और सब भाई लोग तैयार हो रहे हैं। तो राकेश जी कैसा फील, क्या फीलिंग है? काफी अच्छा लग रहा है यहाँ के, जो रात को ही यहाँ पर नजारे दिख रहे थे बड़े एक से एक थे। एक तो हम जब पहाड़ के टॉप में आए ना, तो देखा कि यार क्या नीचे से ऊपर आए हैं हम, वो नीचे रोड जो दिख रही थी अंधेरे में बहुत जबरदस्त थी। दूसरा ये जो हमारे सामने बर्फीला वाला पहाड़ जो दिख रहा था हिमालय, बहुत ही जबरदस्त है। रात के यहाँ पर जब चंद्रमा आया हुआ उसकी रोशनी पड़ रही है, तो इतना बढ़िया सा व्यू लग रहा है वो सुबह कैसा लगेगा जानना पड़ेगा। ये होटल से दिख नहीं पाएगा, कोशिश करूंगा कि आपको दिख जाए बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ज्यादा है ठंड की तो बात मत। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए, और बेल आइकन।